पहचान लिया सर, मैंने कमाल कर दिया कुछ सर।
क्या नाम है बेटा? है जी, कहाँ से हो? अलाहाबाद। तो पार्टिसिपेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए अंडर नाइन में? क्या बात है, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप भी हैं? क्या नाम है? मीरा। तो आप भी आर्चरीज खेल रहे हैं? तो अंडर नाइन? अच्छा अच्छा, अरे आपका ब्राइट फ्यूचर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाल हो गया सर अगर? हाँ हाँ, वीडियो क्वालिटी धूप होगी सामने, सूरज होगा। एक बार स्टॉप कर दो इसको, बिरवाल साहब करेंगे मदद। एक बार स्टॉप करके वहीं। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे साथ इंडिया की टीम के नेशनल कोच श्री मंजीत मलिक जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है, इस प्रकार के उत्कृष्ट कोच हमारे मध्य हैं। द्रोणाचार्य के रूप में आप बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, आज क्या मुकाबले चल रहे हैं सर? सर आज यहाँ अंडर 14 जो नेशनल होनी है अभी विजयवाड़ा में जी, उसके लिए स्टेट की ट्रायल है ये अंडर 14 और अंडर 9 की जी जी। इसमें हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया हरियाणा में जी, और पहले से ज़्यादा हमारा गेम अच्छा बढ़ रहा है, तो बच्चों की संख्या भी बढ़ी रही है आगे जी। 9 साल के बच्चे से लेकर युवा तक में बहुत बड़ा जोश और हौसला नज़र आता है कि आपके बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बार पदक जीत के आए हैं, तो ऐसी उपलब्धियां हमारे साथ साझा करें। हाँ सर, अब काफ़ी अच्छा किया बच्चों ने, अभी काफ़ी बच्चे मेरे मैदान से ही 16 बच्चे इंटरनेशनल हुए हैं अब तक जी, और एक बड़ी संख्या है, एक गाँव से एक सेंटर से इतने बच्चे, मेरे ख्याल पूरे इंडिया में ही एक गाँव से इतने बच्चे नहीं होंगे जितना हमारे गांव से निकले हैं जी। बाकी हरियाणा में आर्चरी का बहुत अच्छा चल रहा है जी, कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, तो उनकी देखरेख में उनके प्रतिनिधित्व में बहुत अच्छा आर्चरी हमारी कर रही है अब तीरंदाजी में जी। तो बच्चे अगर आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में आर्चरी सीखना चाहते हैं तो किस पते पे वो संपर्क करें कि जहाँ वो इस विधा को अपने निखार? वैसे तो हमारे काफ़ी जगह अब अकेडमियाँ चल रही हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी कोच हैं, बाकी हमारा जो सेंटर गांव में मैं चला रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाता हूँ, और ज़रूरतमंद बच्चों को मदद भी करते हैं। उमरा में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में उमरा गाँव है, 80 से 10 किलोमीटर है, तो वहाँ हम कोचिंग देते हैं बच्चों को, अपना सेंटर बना रखा है। बाकी यहाँ भी हमारा इंडस स्कूल में भी अच्छा सेंटर चलता है, और यहाँ भी हमारी आर्चरी की स्टेट लेवल की ट्रायल वगैरह होती रहती है नेशनल के लिए जी जी। हाँ, साल में 5-6 बार ऐसे आयोजन हम करते रहते हैं यहाँ इंडस स्कूल में भी सर। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, अदरवाइज हर व्यक्ति किसी ना किसी उद्देश्य के लिए इस प्रोफेशन में आता है, कोई एकेडमी खोलता है, लेकिन खुद मंजीत मलिक जी की ज़ुबानी ही हमने सुना कि ये ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे बच्चों की मदद करते हैं, ऐसे बच्चों को निखारते हैं, और जो देश प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। आपके साथ बात करके बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस किया सर। निश्चित तौर पर आपके मार्गदर्शन में भारत देश नई बुलंदियों को छुएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। रिवॉल्यूशन इंडिया फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपको मुलाकात कराएगा, रूबरू कराएगा। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत।
सर।